हिगुरानी मायने में तेल तक पानी पहुंचे की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों की मेहनत रंग लाई है। धरने के पांचवें दिन मुख्यमंत्री के आश्वासन पर किसान का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल डीसी अशोक कुमार गर्ग से मिला, जहां किसानों व सिंचाई विभाग के अधिकारियों में लिखित में समझौता हुआ, जिसके बाद किसानों ने धरना स्थगित करने का ऐलान कर दिया। अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति के अध्यक्ष व किसान नेता विकल्प आचार ने बताया कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद किसानों का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जिला उपायुक्त से मिला। विभागीय अधिकारियों ने लिखित में दिया कि 9 जुलाई तक टैलों पर पानी हर हालात में पहुंचा दिया जाएगा, नहर निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की जांच होगी व दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। धरने के पांचवें दिन मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि आपकी सभी टेलों का पानी पूरा कर दिया जाएगा। आपका 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जिला उपायुक्त से मिले। हम आज 5 से लेकर 10 किसान जिला उपायुक्त महोदय से मिले, जिन्होंने कि एसडीएम और इरीगेशन विभाग की पूरी टीम बुला रखी थी और सभी जो किसानों की शर्तें थी उनके ऊपर समझौता हुआ। इतिहास में पहली बार लिखित समझौता हुआ किसान आंदोलन में, जिसमें अधिकारियों ने लिख के दिया कि हम 9 तारीख तक पानी हर हालत में पहुंचाएंगे। जो भी भ्रष्टाचार इस नहर में पाया गया उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निर्माण कार्य बहुत तेजी से और उच्च क्वालिटी का किया जाएगा। तो इस प्रकार किसानों को जब ये फैसला सुनाया गया तो किसानों ने एक बार धरना स्थगित करने का फैसला किया, लिखित में समझौता है। हमें मुख्यमंत्री की नीयत पर भरोसा है कि वो किसानों के दुख को समझे और सिरसा की हर टेल के ऊपर 9 तारीख से पहले पहले पानी पहुंचे। सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता राजेश कुमार ने बताया कि किसानों से बातचीत कर 5 दिनों से चला आ रहा धरना समाप्त करवा दिया गया है। किसानों को आश्वासन दिया गया है कि 9 जुलाई तक हर हालात पर उनको पानी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगली बारी से पहले नहर की सफाई भी करवा दी जाएगी और उन्हें पूरा पानी उपलब्ध होगा। उनको आश्वासन दिया गया कि कभी हमारी नहर की बंदी आ गई, जैसे ही अब नेक्स्ट टाइम पानी आएगा सफाई करा के उनको टेल पे पानी हर हालत में मुहैया कराया जाएगा और उनको यही आश्वासन दिया गया। वो एक्शन साहब ने कमिटमेंट कर दिया, उनसे भी आपको हम सफाई कराते ही पानी दे देंगे, कोई आउटलेट थोड़ा खराब है तो उनको ठीक करवा देंगे, जो पहले टूटे होते हैं उनके एफ आई आर करवा देंगे। 100% पानी उनको 9 तारीख टेल पे पानी मुहैया कराया जाएगा। 5 दिन के संघर्ष के बाद प्रशासन ने किसानों की सुन तो ली, लेकिन अब देखना होगा कि हर बार की तरह प्रशासन किसानों की मांग को कब पूरा करता है या फिर एक बार किसानों को आंदोलन की राह अपनानी पड़ेगी। न्यू न्यूज़ फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट।